कभी कभी पार्सिमोनी में एक कंडीशन ये आता है कि मैक्सिमम पार्सिमोनी में ये पूछा जाता है कॉमन एंसेस्टर का नेचर, कि आखिर जो है जो कॉमन एंसेस्टर है उसका बिहेवियर कैसा होगा, कॉमन एंसेस्टर का बिहेवियर बताइए। अब कॉमन एंसेस्टर का बिहेवियर आपको फिर उसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है कि क्या है, दैट शुड बी योर लाइक मिनिमम म्यूटेशंस। मिनिमम म्यूटेशन से जो कैरेक्टर आ रहा होगा हमें वही लेके चलना है। जैसे समझिएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं कि अगर मैं एज्यूम करता कि इस पर्टिकुलरली कॉमन एंसेस्टर जो पी लिखा गया है, इस पी को अगर इसका कैरेक्टर ब्लू होता तो एक ही म्यूटेशन चाहिए था। देखो ये ब्लू होता, एक म्यूटेशन में ब्लू है, फिर यहां पे आपका सिर्फ वन म्यूटेशन होता ब्लू के लिए, इसको कितने म्यूटेशन चाहिए थे, ओनली वन, एक चेंजेस में ये पता चल जाता कि ब्लू हुआ है। अगर रेड की बात करते तो जरा देखो, रेड यहां पे आया है यानी कहीं ना कहीं यहां म्यूटेशन हुआ होगा, तो दो रेड बने, तो इस रेड के लिए एक म्यूटेशन यहां पे, फिर एक चेंज आपको यहां पे मिलेगा और फिर एक चेंज यहां पे, क्योंकि जहां जहां स्प्लिटिंग है वहां वहां चेंजेस कुछ ना कुछ थोड़े बहुत हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं इस रेड के लिए आपको तीन म्यूटेशन चाहिए, तब जाके जो है कंडीशंस बने होंगे। तो कैन बी सिंपली से दैट कि भैया ये जो पर्टिकुलर क्लासेस बन रहा है कि अगर हम इसको रेड एज्यूम करते तो उसमें मुझे तीन म्यूटेशंस कराने पड़ते, ठीक है, तीन म्यूटेशंस जो है वो कराने पड़ते। तो इसका सीधा सा बात ये है कि जो पी है वो कॉमन एंसेस्टर, हमारा पी जो देख रहे हैं हम रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, रिसेंट कॉमन एंसेस्टर जिस पी की हम चर्चा कर रहे हैं, वो पी का कलर ब्लू होना चाहिए और रेड, That should be blue. ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लू में म्यूटेशंस कम कराने पड़ रहे हैं, जब म्यूटेशंस कम कराने पड़ेंगे तो बात सीधी सी वही है कि ब्लू होना चाहिए। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। अब यहां पे भी रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ये रहा। अब इस कैरेक्टर में पूछा जाता है कि मान लेते हैं हम इसको एक्स लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहां से पूछा जाएगा कि अब ये जो कॉमन एंसेस्टर है उस कॉमन एंसेस्टर के बारे में आप कुछ कहानी बताइए। तो कॉमन एंसेस्टर के बारे में जब हमें कहानी बतानी होगी, कहानी का मतलब कि पहली बात कि कॉमन एंसेस्टर क्या रहा होगा, पहले अगर आप ब्लू मान के चले तो कितने म्यूटेशन कराने पड़ते हैं वो समझिए। अगर मैं ब्लू मान के चलता हूं ये रहा, तो ब्लू या ये वाला कोई भी ब्लू पकड़ लीजिए, अगर मैं इसी ब्लू को पकड़ू तो एक म्यूटेशन, दो म्यूटेशन, तीन म्यूटेशन, ठीक है, लगभग ये होगा। अगर इस ब्लू को देखें तो एक यहाँ पे फोर म्यूटेशन, वन म्यूटेशन, टू म्यूटेशन, थ्री म्यूटेशन, फोर म्यूटेशन एंड फाइव म्यूटेशन, कहीं ना कहीं ब्लू के लिए आपको चार म्यूटेशन या पांच म्यूटेशन लग रहे हैं। रेड के तौर पे देखो, मैं अगर इस वाले रेड को पकड़ लूं तो एक म्यूटेशन, दो म्यूटेशन और तीन म्यूटेशन, तो इस एक्स की प्रोबेबिलिटी अगर ये ब्लू एज्यूम करते तो मिनिमम कितने म्यूटेशन चाहिए थे, मिनिमम जो है आपको कम से कम फोर म्यूटेशन चाहिए थे, ठीक है ना। मैं कैसे एज्यूम कर ले रहा हूं म्यूटेशन, जहां पे भी स्प्लिटिंग या हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं वहां पे म्यूटेशन होने के चांसेस, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस जो होते हैं वहां पे म्यूटेशन होने होते हैं, इसी वजह से टेक्सा जो है वो चेंज होता है, इसलिए वहां पे मैं म्यूटेशन ले रहा हूँ। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल जब ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही आपको चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम फोर म्यूटेशंस के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब अगर एक्स को रेड एज्यूम करते तो रेड में मिनिमम तीन म्यूटेशन चाहिए थे, मैं कलर चेंज करूं अगर रेड के लिए, जरा समझिए। तो देखिए एक ये है, एक दूसरा और एक तीसरा, तो रेड तीन म्यूटेशन से ही काम कर जाता है, मिनिमम थ्री म्यूटेशन। तो एक्स का जो है, अब ये बताइए कि एक्स का फिनोटाइप क्या होगा, रेड होगा कि ब्लू, हम क्या लेके चलेंगे कि एक्स का जो है फिनोटाइप यानी एक्स जो होगा कॉमन एंसेस्टर शुड बी रेड, शुड बी रेड, यानी कि शुड बी रेड रहा होगा पहली चीज। अब जब सवाल आता है यानी कि हमारा जो एंसेस्टर है कॉमन ये रहा होगा, यहां से स्टार्ट हुआ है रेड से, हमारा कॉमन एंसेस्टर रेड है यानी यहां से स्टार्ट हुआ है। अब यहां से जब स्टार्ट हुआ है तो इसके बीच में जो है दो बार ब्लू भी तो अपियर हुए हैं, दो बार ब्लू भी तो अपियर हुआ है, यानी ये ब्लू जो है वो कैसे इन्वॉल्व इवॉल्व हुए होंगे इंडिपेंडेंटली। ये माना जाता है कि अगर हमारा कॉमन एंसेस्टर रेड था और बीच में कोई दूसरा कलर आया है तो यहाँ पे ब्लू जो है वो इवॉल्व, ब्लू इवॉल्व टू टाइम्स, ब्लू कितनी बार इवॉल्व हुआ, टू टाइम्स इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली दो बार इवॉल्व हुआ है। ये जब से रेड स्टार्ट हुआ है उसके बाद का है या उसके पहले का है, जब से रेड स्टार्ट हुआ है उसके बाद का है, ठीक है। रेड के बाद हमें कंसिडरेशन में लेना है कि रेड के पहले को लेना, रेड के पहले तो हमें पता ही नहीं कि इस बी के पहले कौन से थे,
डू यू नो दैट द बी के पहले कौन से एंसेस्टर थे, इसके बारे में तो जानकारी ही नहीं है। इसके बारे में तो हम अननोन है, तो हाउ कैन वी से दैट कि ये ब्लू भी इंडिपेंडेंट आया। हम तो ये बोल ही नहीं सकते कि ये ब्लू इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, हो सकता है कि इसके पहले के सारे प्रोजेनी ब्लू रहे हो। तो जहां से रेड, उस फाइलोजेनी में जब पहले आपका फोकस होना चाहिए कॉमन एंसेस्टर को निकालना, कॉमन एंसेस्टर मिनिमम म्यूटेशन से आपने निकाला, और मिनिमम म्यूटेशन से जब आप कॉमन एंसेस्टर निकालेंगे तो वो कॉमन एंसेस्टर आप मार्क करेंगे उसी पर्टिकुलरली ट्री में कि सबसे पहला रेड कहाँ पे आया, और वहीं से आपका रेड शुरू हुआ होगा। उसके पहले कोई भी इंडिपेंडेंट इवॉल्व है कि नहीं है, हम उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके पहले की जानकारी हमें नहीं पता। यहां से रेड इवॉल्व हुआ है और इसी के आगे की जानकारी हमें पता है कि आगे किस तरीके से चीजें चल रही है। तो जब से रेड स्टार्ट हुआ है उसके बाद ब्लू सिर्फ दो बार आया है, और वो दो बार इंडिपेंडेंटली आया है, और ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक सीएसआईआर का ही प्रॉब्लम है, ये स्टेटमेंट भी एक सीएसआईआर का प्रॉब्लम है जो आप यहां पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कंडीशंस आपके साथ अपीयर होते हैं मैक्सिमम पासिंग होने का। और देखो अगर समझ में आ रहे तो बताओ, और ये जो आपका 30 मिनट मैंने लिया उस 30 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो भी बताओ, ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी बताओ, और लाइक करना है तो भी करो, डिसलाइक करना है तो भी करो, जो करना है वो करो, लेकिन एक्सप्रेस करो, अपनी क्वेश्चंस पूछो, अपने डाउट्स पूछो, और चाहे डांट सुनो कुछ भी करो, पूछ पाछ के जाओ, ये भी जरूरी है। अब देखो एक बेसिक तौर पे यहाँ पे है प्लांट ए बी सी डी ई एफ है। अब अगर इन दोनों प्लांट के कॉमन एंसेस्टर की बात करें तो ये दोनों कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये दो कैरेक्टर्स यहाँ पे आए होंगे, और इसके बाद इन प्लांट्स की बात करें तो यही दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे, समझिए, क्योंकि ये कैरेक्टर्स ये यहाँ पे है और ये वाला कैरेक्टर्स यहाँ पे, ये दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पे। फिर अगर यही सेम कैरेक्टर है तो इसका कॉमन एंसेस्टर भी वही होगा, दैट इज द सेम। और फिर इनमें जो कैरेक्टर्स आ रहा है, ये कैरेक्टर्स एक नया कैरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कैरेक्टर देखिए, एक ये और एक ये, और इसमें जो कैरेक्टर आ रहा होगा ऑलरेडी है, तो ये तीन कैरेक्टर इनके पास होगा, तभी तो डिसोसिएट होकर जो है अलग अलग कंडीशंस बने। तो कॉमन एंसेस्टर में ये तीनों कैरेक्टर्स होंगे जो धीरे धीरे जो है एक तरीके से डाइवर्स हो चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये बेसिक्स है, फंडामेंटल है किस तरीके से जो है ट्री डाइवर्स होता है।